उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक नवविवाहिता दुल्हन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। जहां जौनपुर निवासी लड़की की शादी जनपद के गोपीगंज में शनिवार को हुई थी। रविवार को नवविवाहिता का वलीमा हुआ था और उसके अगले दिन ही यानी सोमवार को उसकी मौत हो गई। लड़की पक्ष द्वारा एक दिन की दुल्हन की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की जांच की जा रही है। इस घटना से परिवार में मातम का माहौल है। वहीं घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी को मार डाला। इस बीच देर रात मुख्तार अपनी दुल्हन के कमरे में गया तो उसकी तबीयत थोड़ी नासाज दिखी, जिस पर स्थानीय डॉक्टरों ने उल्टी दस्त होने की बात कहकर रोशनी को दवा दे दी और उसे घर पर जाने की सलाह दी। घर पर ही पानी चढ़ाया गया। 17 को हुआ और 18 जून को उनका वलीमा हुआ था जो देर रात तक चलता रहा। दूल्हे के भाई इश्तियाक ने बताया कि दावते वलीमा में सैकड़ों लोगों ने खाया पिया और बाद में हम लोग भी खा पीकर सोने की तैयारी में लगे हुए थे और उसके बाद ही दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई। इसे एक तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी मौत हो गई ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने लड़की को मार दिया।